हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस ऑन ए न्यू टॉपिक दैट इज प्लेसेंटा। देखो प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है। प्लेसेंटा बेसिकली एक सैक या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यंग वन को डेवलप करता है। इट इज ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर which develop जो new baby है उसको डेवलप करता है which develop fetus, जो फाइटस होता है उसको डेवलप करता है। इसका काम ये होता है। तो उस स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लेसेंटा। देखो प्लेसेंटा यहाँ पे बनता किस तरह है, आप समझिएगा। तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो दिस वॉल इज एक्चुअली नोन एज एंडोमेट्रियम वॉल एज यू नो। इस एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर जब एक ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे इम्प्लांट होता है, अब मान लीजिए ये यहाँ पे इम्प्लांट है और इसके जो आउटर लेयर होती है, दिस आउटर लेयर इज नो ट्रोपोप्लास्ट, ये ट्रोपोप्लास्ट होती है। ये ट्रोपोप्लास्ट क्या करती है, इस एंडोमेट्रियम के अंदर एक फिंगर लाइक अपेंडिसेस बनाती है मायोमेट्रियम तक। ये यहाँ पे इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स होती है मायोमेट्रियम में। तो ये क्या करेगी, इसके अंदर एक फिंगर लाइक अपेंडिसेस बनाएगी, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगी लाइक दिस, इस तरह स्ट्रक्चर बनाएगी। और ये जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है ये इसको इसके राउंड में इस तरह से कवर कर लेगी लाइक दिस, राइट। तो ये है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम वॉल है ये, और दिस इज द एंडोमेट्रियम वॉल। और जो यंग वन जो डेवलप होगा, वो यंग वन यहाँ पे डेवलप होगा इसके अंदर, यहाँ पे सेल मास बनता है यहाँ पे, यानी सेल मास कहाँ रहता है, सेल मास यहाँ पे रहता है, इस तरह एक लाइनिंग रहेगी यहाँ पे, इसके ऊपर यहाँ पे सेल मास डेवलप होगा। यही साल सेल मास होता है, एक बेबी को बनाएगा, एक फिटस को डेवलप करेगा ये। तो ये दो होती हैं, ये कोरोनिक विलाई होती हैं जिसे कहते हैं हम इंटरडिजनेशन, या प्लेसेंटल विलाई को बोलते हैं, प्लेसेंटल विलाई। यही जो होती हैं इस यंग वन को, इस फिटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये डायरेक्टली ब्लड वेसल से जुड़ी होंगी, ये आप देख लो, तो दिस इज द ब्लड वेसल्स, ये इन ब्लड वेसल से डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं, इनसे न्यूट्रिशन लगातार लेती रहती हैं, राइट। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज द प्लेसेंटा, ये क्या है, प्लेसेंटा होता है। ये जितना भी यहाँ पे डेवलप होता है, ये धीरे धीरे और डेवलप होगा, फिर ये अराउंड में यानी सेंटर में मूव कर जाएगा, क्योंकि यूट्रस पार्ट होता है इसमें मूव कर जाएगा, और ये इसके अराउंड में इंटरडिजनेशन होता था, ये प्लेसेंटा विलाई के अराउंड में आएंगे यहाँ पे, और इसको लगातार जो होती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहेंगी इसको। और ये जो होता है सेल मास होता है, ये किसमें डेवलप हो जाएगा, ये फिटस में डेवलप हो जाता है। अब देखिए प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है, प्लेसेंटा करता क्या है। प्लेसेंटा फंक्शन इसका जो फंक्शन होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन इसका काम होगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना यानी टू फिटस, यानी जो बेबी डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ये। एक्सचेंज गैसेज, गैसेज को मदर यानी मैटरनल टिश्यू और बेबी यानी फिटस उसके बीच में गैसेज को एक्सचेंज करवाएगा, एक्सचेंज गैसेज राइट। एंड ये रिलीज भी करेगा जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है, जो फिटस है उसका जो नाइट्रोजन वेस्ट निकलता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा नाइट्रोजन वेस्ट निकलेगा, और जो मेटाबॉलिक वेस्ट होगा, जो नाइट्रोजन वेस्ट होगा उसको एलिमिनेट करने का काम किसका होता है, वो होता है प्लेसेंटा का। फिटस नाइट्रोजन वेस्ट एलिमिनेशन, ये एलिमिनेट करेगा, एलिमिनेशन
राइट, ये कुछ हार्मोन रिलीज करता है, इट्स ऑल्सो रिलीज सम हार्मोन्स, इससे काम होता है हार्मोन रिलीज करना, हार्मोन्स सिक्रीशन। अभी कौन कौन से हार्मोन सिक्रीशन करता है, जर्नी होता है वुमेन, वुमेन प्लेसेंटल, लैक्टोजन, लैक्टोजन जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इसको प्लेसेंटा को, इसे HPL कहते हैं, राइट। ह्यूमन क्रोनिक गोनाड्रोपिन हार्मोन ये रिलीज करता है यहाँ पे, इस तरह कुछ हार्मोन होते हैं यहाँ पे, इसके अलावा ये प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन ओवरी भी रिलीज करती है, ये भी करता है, राइट। तो इस तरह कुछ हार्मोन होते हैं प्लेसेंटा के द्वारा क्या किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं। और दूसरा इसका अदर फंक्शन ये होता है, ये प्रोटेक्ट करता है बेबी को, क्योंकि इसके अराउंड में लेयर बनती है और इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना। तो इसका और फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन होगा प्रोटेक्शन, इसका और फंक्शन होगा प्रोटेक्शन, फिटस प्रोटेक्शन, इसका फंक्शन होता है। तो दैट इज अबाउट द प्लेसेंटा।